हेलो एवरीवन। तो गाइस आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन का पहला दिन समाप्त हो चुका है और इस पहले दिन में बहुत ही ज़्यादा बिडिंग होती हुई हमें दिखाई दी है प्लेयर्स पर। कई प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे बिके भी, और ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी आज के दिन में कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी शॉपिंग करी है इन प्लेयर्स की। आखिरकार आज के इस पहले दिन में, मेगा ऑक्शन के पहले दिन में आखिरकार राजस्थान रॉयल्स की टीम में किन किन खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, इन सभी खिलाड़ियों के बारे में और कितने में वो आए, कितना उनका प्राइस है, इसके बारे में आज की स्टूडियो में मैच आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां पर आप लोग क्रिकेट, फुटबॉल और 160 प्लस गेम्स खेलकर लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हो। ये 85 रनसेस से ऑपरेट होती है, साथ ही 24/7 विड्रॉल भी मिलता है। साथ ही में इसमें रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कमेंट बॉक्स में दिए गए रेडी अन्ना के टेलीग्राम और नंबर पर कॉन्टेक्ट करने पर आपको बोनस मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन को खरीदा था, 5 करोड़ में इनको खरीदा था। काफी बढ़िया राजस्थान रॉयल्स की टीम की पिक थी। वहीं पर अगली पिक की बात करें तो वहां पर ट्रेंट बोल्ट को आरआर की टीम ने लिया था, 8 करोड़ में मिल गया था। ये भी बहुत ही बढ़िया पिक थी राजस्थान रॉयल्स की टीम की। वहीं पर दोस्तों आगे बढ़े अगली पिक के बारे में बात करें तो शिमरॉन हेटमायर को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं पर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने देवदत्त पाडिकल को भी खरीद लिया था, 7.75 करोड़ में खरीदा था इनको, और ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। वहीं पर दोस्तों अगले खिलाड़ी की बात करें तो वहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने प्रसिद्ध कृष्णा को खरीदा है और इनको 10 करोड़ देके आरआर की टीम ने अपनी टीम में शामिल किया है। तो इनको, जो आरआर की टीम को एक इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए था, तो वहां पर आरआर की टीम ने प्रसिद्ध कृष्णा पर भरोसा जताया है और ये कहीं ना कहीं ठीक ही मूव है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा का परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया रहा है हाल फिल्म में। आपने देखा ही होगा कि कितनी बढ़िया इन्होंने गेंदबाजी करी है और ये अच्छे खिलाड़ी है। वहीं पर दोस्तों बात करें हम अगले खिलाड़ी के बारे में, अगली पिक के बारे में बात करें तो वहां पर नाम आता है यूजी चहल का। जी हां दोस्तों, यूजी चहल को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पिक किया है, 6.5 करोड़ में आरआर की टीम में आए हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि आरआर की टीम की जो अपस्पिन की जो समस्या थी वो काफी हद तक सॉल्व हो चुके हैं यूजी चहल और रविचंद्रन अश्विन के आने की वजह से। वहीं पर दोस्तों बात करें हम अगले खिलाड़ी के बारे में तो वहां पर नाम आता है दोस्तों रियान पराकाब। दोस्तों ये मुझे बहुत ही बेकार डिसीजन लगा राजस्थान रॉयल्स की टीम का। हमने देखा कि रियान पराकाब प्रदर्शन पिछले 2 सीजन से बहुत ही बेकार रहा था और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इनके ऊपर 3.80 करोड़ खर्च कर दिए, यानी कि आरआर की टीम ने कुछ हद से ज्यादा ही इनके ऊपर पैसा खर्च कर दिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम में ये फिर से दोबारा आ चुके हैं। केसी करियप्पा भी फिर से आरआर की टीम में आ चुके हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कुछ ये बड़ी बड़ी बाइस करी है आईपीएल 2022 के इस पहले दिन में मेगा ऑक्शन में। ओवरऑल ऑक्शन की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की टीम के ऑक्शन की बात करें तो कई बहुत ही अच्छी पिक्स थी, जैसे यूजी चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, रवि अश्विन और ट्रेंट बोल्ट की पिक देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी पिक्स थी और बहुत ही हैरान करने वाली पिक्स भी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने करी है, जैसे रियान पराग की पिक आरआर की टीम ने करी थी 3.80 करोड़ वाले। तो ये कुछ शॉकिंग पिक्स भी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मेगा ऑक्शन में करी है। लेकिन ओवरऑल आरआर की टीम का परफॉर्मेंस इस मेगा ऑक्शन के पहले दिन में तो अच्छा खासा आरआर की टीम ने परफॉर्मेंस किया इस मेगा ऑक्शन में। आपकी क्या राय इसको लेकर वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आपकी वीडियो चली गई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको और भी आईपीएल से रिलेटेड ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहेगी।